प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में एक और प्रॉपर्टी देखते हैं विच इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑल्सो। इसमें एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन दैट इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। अगर ये दोनों सेम है ठीक है और ये कॉन्जिगेटिव है आर एंड आर माइनस वन, ये अगर कॉन्जिगेटिव है तो एन ये अगर जो भी है उसमें वन ऐड हो जाएगा एंड इन दोनों में से जो हाईएस्ट है वो यहां पर आ जाएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? इसका एक्सपेंशन लिख दो, ये इसकी वैल्यू लिख दो और इसकी वैल्यू लिख दो, ये दोनों को जब मैं ऐड करूंगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। चाहो तो वैल्यू लिख कर इसको प्रूव कर लेना ठीक है। तो ये जो है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, लेकिन ये कॉन्जिगेटिव होना चाहिए। देखो ये आर है, ये आर माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल सपोज 12C6 प्लस 12C7, ये और ये सेम है 12 और ये क्या 6 और 7 कॉन्जिगेटिव है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा वन ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 13। इन दोनों में हाईएस्ट क्या है 7 है, 7 इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 13C7 आएगी। एक और एग्जांपल लें 15C2 प्लस 15C3, ये और ये सेम है तो क्या आएगा 16, ये कॉन्जिगेटिव है ना तो इनमें जो हाईएस्ट है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जो 15C2 की वैल्यू निकालूं 15C3 की वैल्यू निकालूं उन दोनों को ऐड करूं या फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 16C3। कुछ और एग्जांपल लेते हैं थर्ड सपोज 10C2 प्लस 10C3 प्लस 11C4 प्लस 12C5 प्लस 13C6 प्लस 13C7, सॉरी ये 14 कर लो 14C7, ये क्या होगा? सपोज हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है 10C2 प्लस 10C3 प्लस 11C4 प्लस 12C5 प्लस 13C6 प्लस 14C7, ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? तो देखो सबसे पहले यहां पे ये दोनों कॉन्जिगेटिव है 2 एंड 3, क्योंकि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ये सेम होना चाहिए ना वो टर्म्स देखेंगे। तो देखो ये दोनों सेम है 10 10 और ये 2 और 3 है तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को देखो पहले 10 10 है, n की जगह 10 है, r है r माइनस वन है कॉन्जिगेटिव है तो 10 में 1 ऐड हो जाएगा क्या जाएगा 11C इन दोनों में 3 प्लस फिर क्या आएगा 11C4 प्लस 12C5 ये एज इट इज लिख दिया मैंने 13C6 प्लस 14C7। अगेन देखो 11 और 11 मैच कर गया और ये 3 और 4 कॉन्जिगेटिव भी है तो क्या आ जाएगा 12C4 ये जो वैल्यू है प्लस 12C5 प्लस 13C6 प्लस 14C7, ये जो वैल्यू है मैंने यहां लिख दी ना। फिर 12 और 12 मैच कर गया, ये 4 और 5 फिर कॉन्जिगेटिव है, ये वैल्यू क्या आएगी 13C5 प्लस फिर आएगा 13C6 14C7। फिर ये देखो 13 13 है 5 और 6 है तो क्या आ जाएगा 14C6
सिक्स प्लस 14c 7, तो ये क्या है, 14 14 है, 6 और 7 कंसेक्यूटिव भी है, तो 14 14 क्या आ जाएगा, 15 सी, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, 7। ये जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 सी 7, तो दिस विल बी द आंसर। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 15 सी 7 आएगी। ये आगे समझ में ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, फोर्थ। इफ एन सी आर प्लस 2 टाइम्स एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2 इज इक्वल टू एन प्लस 2 सी के, देन फाइंड के। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई इट आउट। हो गया, देखो क्या किया, सबसे पहले ये जो है इसको देखो क्या होगा, एन सी आर प्लस ये 2 टाइम्स है ना, तो इनको अलग अलग लिख देते हैं, क्या एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1, ऐसे 2 बार लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने 2 बार लिख दिया इनको, प्लस एन सी आर माइनस 2, वो तो एज इट इज लिख दिया। अब देखो ये और ये सेम है और ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन प्लस 1 सी, आर है आर माइनस 1 है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, आर, तो आर आ जाएगा, प्लस यहां भी तो कॉन्जिक्यूटिव जैसा लग रहा है, देखो एन और एन ये तो सेम है, आर माइनस 1 है आर माइनस 2 है, कॉन्जिक्यूटिव है आर माइनस 2 फिर आर माइनस 1, तो एन एन मीन्स व्हाट, ये तो इसमें एक ऐड हो जाएगा सी, इन दोनों में हाईएस्ट क्या होगा, आर माइनस 1। बट इफ यू सी हियर, यहां पे एन प्लस 1 एन प्लस 1 ये तो फिर सेम आ गए, और ये आर और आर माइनस 1 ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो गए, एक बार और प्रॉपर्टी लगा दें तो क्या होगा, इसमें तो 1 ऐड हो जाएगा, तो एन प्लस 2 सी, इन दोनों में हाईएस्ट क्या है, आर। तो एन प्लस 2 सी आर, दैट इज व्हाट, एन प्लस 2 सी के इक्वल है, तो के क्या आ गया, के विल बी इक्वल टू आर, तो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी कंक्लूड, के जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आर, दिस विल बी द आंसर। ओके, एक नई टर्म यहाँ पे हम देखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट एन एम एन माइनस 1 एम एन माइनस 2 एम, अब तो देखो यहाँ पे क्या डिक्रीज होता जा रहा है, तो एम प्लस 1 एम प्लस एम एम दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1 एम प्लस 1। तो ये एक्चुअली होता क्या है वो देखो, ये जो है एन एम है जो है, इसका मीनिंग होता है एन सी एम, अगर मैं ऐसा लिख दूं, इफ आई राइट एन आर, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है एन सी आर, इसका मीनिंग क्या होता है, एन सी आर, तो ये क्या हो गया एक्चुअली, एन सी एम प्लस एन माइनस 1 सी एम प्लस एन माइनस 2 सी एम एंड सो ऑन, अब तो कहां तक, एम प्लस 1 सी एम प्लस एम सी एम इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है एन प्लस 1 सी एम प्लस 1, ये ऐसे लिख दो या एन सी आर लिख दो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। ये तो केवल रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट मेथड है, रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड है, ठीक है। अब ये हमें ये जो वैल्यू है ये एन प्लस 1 एम प्लस 1 प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करें, चाहो तो सी की टर्म्स में लिख लेते हैं पहले, तो वहां से इजीली समझ में आ जाता है ना। मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज को
इधर से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ताकि क्या होगा अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। अभी क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है ना ये, मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं क्या कर लूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे तो समय समझ में आ जाएगा, जैसे हमने ये किया था ना, थर्ड एग्जाम्पल था, वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही थी, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ। तो क्या आएगा, एम सी एम प्लस, फिर क्या ऐड होता जाएगा, एम प्लस वन सी एम प्लस, एम प्लस टू सी एम प्लस, ऐड होते होते कहाँ तक जाएगा, ऐड होके कहीं पे एन माइनस टू सी एम प्लस, एन माइनस वन सी एम प्लस, और क्या आ जाएगा आखिरी में, एन सी एम। ये जो है इसको ही मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है इतना। ये जो है इसको मैंने क्या किया, एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इधर से, सो दैट ये क्या हो गया, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना, ठीक। अब देखो प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये सेम होना चाहिए, लेकिन यहां तो कहीं भी सेम नहीं है, ये क्या एम प्लस वन आ रहा है, यहां एम है, ये कॉन्सिक्यूटिव भी नहीं आ रहे हैं। तो यहां पे हम थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, एम सी एम की वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली एम सी एम की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। एम सी एम फाइंड करके देख लो, एम सी एम क्या होगा, एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल एम माइनस एम, दैट इज व्हाट, जीरो फैक्टोरियल, क्या आ गया वन। तो यहां पे अगर मैं देखूं एम सी एम की वैल्यू ये वन है, मुझे एम प्लस वन चाहिए, तो सेम हो जाएंगे ना ये, और ये कॉन्जिकेटिव भी चाहिए। तो देखो अगर मैं एम प्लस वन सी एम प्लस वन की वैल्यू निकालता हूं, तो ये वैल्यू भी क्या आती है, वन ही आती है। देखो एम प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एम प्लस वन फैक्टोरियल, और ये क्या जीरो फैक्टोरियल, एम प्लस वन माइनस एम प्लस वन, ये भी क्या आ गया वन आ गया। तो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा के एम सी एम को मैं रिप्लेस कर देता हूं एम प्लस वन सी एम प्लस, ये वैल्यू भी वन है, ये वैल्यू भी क्या है वन है। वो क्यों किया, ताकि एम प्लस वन और एम प्लस वन सेम आ जाए और ये कॉन्जिकेटिव हो जाए। फिर देखते हैं क्या आता है, ये आ जाएगा एम प्लस वन सी एम प्लस, एम प्लस टू सी एम, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एन सी एन, इन बिटवीन ये भी है वो भी, टर्म्स यहां पर लिख देना। अब देखो एम प्लस वन, एम प्लस वन सेम आ गया, एम प्लस वन है और एम है कॉन्जेगेटिव भी है, इन दोनों टर्म्स को पहले ऐड करो तो क्या आएगा, एम प्लस टू सी, इनमें तो एक ऐड हो जाता है ना, और इन दोनों में जो ग्रेटर होता है वो हम लिख देते हैं, तो क्या आएगा एम प्लस वन। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू कर देते हैं, उसके बाद क्या आएगा, ये देखो एम प्लस टू सी एम, एम प्लस थ्री सी एम, अब तो कहां तक है ये, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्या आएगा n माइनस टू सी एम, एन माइनस वन सी एम, एन सी एम, लेकिन फिर मैच कर गया तो m प्लस टू, एम प्लस टू, और ये कॉन्जेगेटिव भी है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, प्रॉपर्टी लगाता हूं, तो क्या आएगा इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम प्लस थ्री सी, एम और एम प्लस वन ग्रेटर क्या है एम प्लस वन। फिर लिखो एम प्लस थ्री सी एम, एन माइनस टू सी एम, एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम, लेकिन ये फिर एम प्लस थ्री, एम प्लस थ्री मिल गया, तो क्या हो जाएगा एम प्लस फोर, एम प्लस फोर, फिर आगे एम प्लस फोर आएगा, एम प्लस फाइव एंड सो ऑन, मीन्स वॉट, इनमें तो क्या होगा एड होता जाएगा और ये एम प्लस वन आता जाएगा। तो जब मैं यहां से लेकर यहां तक फाइंड करूंगा, तो ये जब देखो एम प्लस टू था, यहां तक ऐड किया तो एम प्लस थ्री आ गया, और यू कैन से दैट एम प्लस वन था ये, इसको ऐड किया तो एम प्लस टू पे पहुंच गए, एम प्लस टू को इंक्लूड किया तो एम प्लस थ्री पे पहुंच गए, एम प्लस थ्री को इंक्लूड किया तो एम प्लस फोर पे पहुंच जाऊंगा, जब इसको इंक्लूड करूंगा तो क्या आ जाएगा ये
एन माइनस वन इसमें एक ऐड हो जाता है, सी एन प्लस वन तो आना ही है इनमें, और ये ग्रेटर रहेगा, प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम, एन माइनस वन एन माइनस वन एन सी एम प्लस वन प्लस एन सी एम, तो क्या क्या है एन प्लस वन सी एम प्लस वन, और यही तो हमें प्रूव करना था। मैं जैसे जैसे एक टर्म को हम ऐड करते जाते हैं, इंक्लूड करते जाते हैं, ये वैल्यू क्या होता है एक इंक्रीज होती जाती है, तो एंड वाली वैल्यू में भी वन ऐड होगा तो एन तो एन प्लस वन हो जाएगा और सी एम प्लस वन आ जाएगा। देखते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट में देखो एन सी आर ये गिवन है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा मींस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर, ये जो है एन सी आर जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, एन सी आर विल बी मैक्सिमम, तो उसके लिए आर क्या होना चाहिए, तो ये जो आर है इट विल डिपेंड ऑन एन। तो ये दो केसेस है, एक केस तो देखो एन अगर इवन है, इफ एन इज इवन, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी एन सी आर की, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सी आर विल बी, यू कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन सी आर इज एन सी एन बाय टू, मीन्स वॉट एन अगर इवन है तो ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू एन बाय, आर क्या होगा एन बाय टू, ठीक है। सेकेंड, अब एन अगर ऑड हो गया, इफ एन इज ऑड, एन अगर ऑड है तो ये जो एन सी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एन सी आर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसके लिए आर की दो पॉसिबिलिटीज है, आर की दो वैल्यूज होगी, एक तो आर जो है एन माइनस वन बाय टू हो सकता है, या फिर आर एन प्लस वन बाय टू भी हो सकता है, क्योंकि आर एन माइनस वन बाय टू पे जो वैल्यू मिल रही वही हमें आर इज इक्वल टू एन प्लस वन बाय टू पे मिलेगी, मीन दोनों वैल्यूज क्या रहेगी सेम रहेगी, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या होगी, या तो एन सी एन माइनस वन बाय टू, या फिर एन सी एन प्लस वन बाय टू, तो एज यू कैन सी दैट ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, दोनों वैल्यूज क्या है इक्वल है, क्या करें चाहो तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर वाली, तो ये आ जाएगा, या इसमें अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ग्रेटेस्ट आता है बाइनोमियल कोफिशियंट, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशियंट जो आता है वो मिडिल टर्म का आता है, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशियंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, वो हमने देख लिया था, ग्रेटेस्ट जो देखो एन अगर इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होती है, ठीक है, एक ही मिडिल टर्म होती है, और वो मिडिल टर्म क्या होती है एन बाय टू प्लस वन, तो वहां से देखो ये एन बाय टू आता है, सो द बाइनोमियल कोफिशियंट जो है इट विल बी ग्रेटेस्ट इन केस ऑफ मिडिल टर्म, या एन सी आर जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आर कब होगा, जब एन बाई टू है, एन इवन है तो, एन अगर ऑड है तो आर के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या तो एन माइनस वन बाई टू हो सकता है या एन प्लस वन बाई टू हो सकता है, जस्ट रिमेंबर दिस। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो सबसे पहले लेते हैं सिंपल फाइव सी आर, फाइव सी आर, या यू कैन से दैट सिक्स सी आर ले लेते हैं, पहले इवन ले लेते हैं सिक्स सी आर, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, आर क्या होगा थ्री होगा तब होगी, आर जब थ्री होगा तब इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहां से देखो एन अगर इवन है सिक्स है आर क्या होगा एन बाय टू दैट इज व्हाट थ्री, तो जब आर थ्री होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी सिक्स सी थ्री। अब वो देख लेते हैं वैल्यूज लिख के, सबसे पहले देखो आर कहां से स्टार्ट करें, जीरो से, तो सिक्स सी जीरो ये वैल्यू निकालो यू विल गेट वन,
फिर 6C1 निकालो, 6 आएगा, फिर 6C2, ये आएगा 15, ये वैल्यूज निकाल के देख लेना। फिर आएगा 6C3, 6C3 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 × 5 × 4 / 6, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 20। फिर 6C4, ये वैल्यू भी निकाल लेना, 6C4 आएगा 15, फिर आएगा 6C5, दैट इज व्हाट 6, और फिर आएगा 6C6, दैट इज व्हाट 1। तो ये देखो 6CR जो है ये क्या होगा, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, यहां तक क्या हुआ देखो, इंक्रीज हुआ 1, फिर 6, फिर 15, फिर 20, लेकिन फिर क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है इसके लिए पहले क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, फिर क्या आ जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो मिडिल टर्म होती है उस केस में ये जो होता है ये मैक्सिमम होता है। यहां पे भी देख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लेके हमने देख ली, 6C3 जो आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, और वो तो हमारा पहले भी आ गया था। तो ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मिडिल टर्म में जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम एन जो है ऑड ले लेते हैं। एन अगर हमने ऑड लिया, सेकंड एग्जांपल सपोज 5CR ले लेते हैं, तो 5CR, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, ओके। एक तो क्या है, एन माइनस वन बाय टू मीन्स वॉट, 5 - 1 4/2 दैट इज 2, तो R क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा, तो 5C2 और 5C3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब दो मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकती है, लेकिन उनकी दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है, तो 5C2 और 5C3 दोनों क्या है, सेम वैल्यूज है। ठीक, ओके। तो 5CR, तो देखो पहले 5C0 निकालो, 5C0 क्या होगा 1, 5C1 क्या आएगा 5, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5 और 5C5 क्या आएगा 1। तो देखो पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर वापस वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस केस में पहले वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर क्या दो वैल्यू सेम मिल गई मुझे, और फिर वापस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये हमने देखा था मिडिल टर्म के केस में, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होती थी, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो दो मिडिल टर्म्स होती थी। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो 5C2 ये या फिर 5C3 कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है वो। तो यहां से पहले भी हमारा आंसर तो यहां से भी आ गया था, R2 और R3 पे ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये जो है NCR मैक्सिमम कब होगा वो समझ में आ गया, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन N, N पे डिपेंड करेगा। N अगर इवन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली क्या लिखो, N बाय टू करके कर लो। ठीक है, N अगर ऑड है तो दो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो क्या दोनों इक्वल ही है, कोई से भी वैल्यू लिख दो, चाहे ये लिख दो या फिर ये लिख दो, क्योंकि बाद में क्या प्रॉपर्टी लगा के भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि R2 है, तो 5C2 मैंने बोल दिया मैक्सिमम है, बट 5C2 की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी लगा तो क्या होगा, 5C5 - 2 दैट इज व्हाट 3, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम कब होगा वो समझ में आ गया, मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोफिशियंट होता है वो मैक्सिमम होता है, दैट विल डिपेंड ऑन एन। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अभी कितने, 2 है ना, अब थर्ड 20CR, ये मैक्सिमम, इसके मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या होगा, R क्या होगा, N क्या इवन है, तो मैक्सिमम होगा 20C10। फोर्थ 25CR, तो यहां दो पॉसिबिलिटीज है, N - 1/2 या N + 1/2, कोई भी एक कर लो। तो इसके लिए मैक्सिमम क्या होगा, 25C(n-1) तो क्या आ जाएगा 12, या फिर 25C(13), दोनों वैल्यू सेम है।
फिफ्थ 100 CR, इसके लिए मैक्सिमम क्या होगा 100 C 50, इवन है ना, क्लियर? ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन।